हेलो, वेलकम टू माय स्टूडेंट सपोर्ट सिस्टम। आप सबका आज की क्लास में स्वागत है। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में स्टडी करेंगे, ड्रेसिंग और बैंडेजिंग, मतलब घाव के ऊपर हम पट्टी कैसे बांधते हैं। यह एक लंबा और बड़ा सब्जेक्ट है, बड़ा टॉपिक है, तो इसे हम दो क्लासेज में कवर करेंगे। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं ड्रेसिंग के बारे में और ट्रायंगुलर बैंडेजिंग के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे बैंडेजिंग और रोलर बैंडेज के बारे में। तो आप उस लेक्चर को देखने के लिए माय चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। ये लेक्चर आप हिंदी में देख रहे हैं, यदि आप इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं, आपको वहां से इंग्लिश के लेक्चर का लिंक मिलेगा और आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक ड्रेसिंग। ड्रेसिंग क्या होती है? जब भी कोई घाव होता है और उस घाव को क्लीन करने के बाद उसको कवर करते हैं तो उस प्रक्रिया को हम ड्रेसिंग कहते हैं, और वो जो पार्ट है जिस चीज से हम कवर करते हैं उसे ड्रेसिंग करते हैं। घाव के संक्रमण को रोकने के लिए और जो घाव है उसको भरने को, जल्दी वो भर जाए, उसके लिए हमें ड्रेसिंग करना जरूरी होता है। और ड्रेसिंग हमेशा स्टेराइल होनी चाहिए ताकि इन्फेक्शन ना। अब है कि जो ड्रेसिंग है उसका उद्देश्य क्या है, क्यों हम ड्रेसिंग करते हैं? ड्रेसिंग करने के लिए एक तो घाव को ढकने के लिए हम ड्रेसिंग करते हैं और संक्रमण को रोकने के लिए करते हैं, नहीं तो उसके ऊपर इवन हवा से भी बैक्टीरिया आ जाएंगे और वो इन्फेक्टेड हो जाएगा। किसी भी घाव से कुछ जो डिस्चार्ज होता है उसको अवशोषित करने के लिए, चाहे वो ब्लड आ रहा है चाहे वो टिश्यू फ्लूइड आ रहा है, उसको एब्जॉर्ब करने के लिए भी हम ड्रेसिंग करते हैं। और इसका उपयोग ब्लीडिंग या रक्तस्राव को नियंत्रित करने के लिए भी किया जाता है, और यह घाव को आगे की चोटों को बचाने के लिए भी ड्रेसिंग बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये कवर कर रही है तो वो उस पर फिर से चोट नहीं लगेगी। अब है कि ड्रेसिंग के प्रकार कितने होते हैं? तो ड्रेसिंग नॉर्मली दो प्रकार की होती है, एडहेसिव ड्रेसिंग और नॉन एडहेसिव। एडहेसिव मतलब चिपकने वाली, और नॉन एडहेसिव मतलब जो नहीं चिपकती है। एडहेसिव ड्रेसिंग, ये एडहेसिव ड्रेसिंग में एक पैड होता है स्टेराइल, ये वाला जैसे बीच में लगा हुआ है, और एक चिपकने वाली सामग्री की परत इस पर लगी होती है, ये चिपकने वाली लेयर है। जैसे एग्जांपल हम ले सकते हैं बैंडेड या हैंडीप्लास्ट, तो ये एक एडहेसिव ड्रेसिंग है। एडहेसिव ड्रेसिंग लगाने से पहले जो वुंड है उसके आसपास की जो स्किन है उसे ड्राई कर लेना चाहिए ताकि ये आराम से चिपक जाए। नॉन एडहेसिव जो ड्रेसिंग होती है वो तीन प्रकार की हो सकती है, एक रेडीमेड, एक गौज की ड्रेसिंग और एक इम्प्रोवाइज्ड ड्रेसिंग। रेडीमेड ड्रेसिंग मार्केट में रेडीमेड मिलती है, ये स्टेराइल गौज से बनी होती है जिस पे रोलर पट्टी भी जुड़ी होती है और कॉटन पैड भी होता है उसके ऊपर लगा हुआ, और ये स्टेराइल करके इस प्रकार कवर्ड मार्केट में मिलती है। तो ये क्या हो गई, रेडीमेड स्टेराइल ड्रेसिंग। दूसरा है गौज ड्रेसिंग। गौज ड्रेसिंग नॉर्मली हम हॉस्पिटल्स में बनाते हैं, यह बड़े एरिया को कवर करने के लिए होता है जब घाव बड़ा होता है, जैसे सर्जिकल ऑपरेशन के बाद। इसमें गौज की कई परतें होती हैं और यह बहुत ही शोषक या एब्जॉर्बेंट होता है, सॉफ्ट होता है। इस ड्रेसिंग को ड्रेसिंग करते समय हम कॉटन पैड द्वारा भी कवर करते हैं। उसके बाद है इम्प्रोवाइज्ड ड्रेसिंग। इम्प्रोवाइज्ड ड्रेसिंग का मतलब है कि यदि हमें किसी भी प्रकार की जो हमने उपरोक्त अभी डिस्कस किया वो ड्रेसिंग नहीं मिले तो कवर करने के लिए कुछ तो हमें चाहिए, तो उसे हम इम्प्रोवाइज्ड ड्रेसिंग बोलते हैं। तो इसके लिए हम कोई भी सॉफ्ट कपड़ा ले सकते हैं जो साफ हो, जैसे साफ रुमाल, लिनन का कोई टुकड़ा, साफ टिश्यू, इनको भी हम एज ए ड्रेसिंग यूज कर सकते हैं। अब है प्रिंसिपल्स ऑफ वुंड ड्रेसिंग, किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए वुंड की ड्रेसिंग करते समय। सबसे पहले ड्रेसिंग करते समय हमें अपने हाथों को अच्छी तरह धो लेना चाहिए। ड्रेसिंग का जो आंतरिक भाग है, मतलब जो भाग ये ड्रेसिंग है, जो भाग वुंड को टच करेगा वो हमेशा स्टेराइल होना चाहिए, इसको टच नहीं करना चाहिए। हमें घाव या ड्रेसिंग के ऊपर खांसी नहीं करनी चाहिए और बातचीत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, हमारे मुंह के जो बैक्टीरिया है निकल के, वो उस घाव पर या ड्रेसिंग पे आ जाएंगे और वो इन्फेक्टेड हो जाएगा।
ड्रेसिंग को हमेशा कॉटन पैड के साथ कवर करना चाहिए ताकि जो भी डिस्चार्ज वहाँ से हो वो एब्जॉर्ब हो जाए। जब भी हम ड्रेसिंग लगाएं तो घाव को पूरा कवर करना चाहिए, ठीक है, छोटा नहीं होना चाहिए, घाव बाहर निकला हुआ नहीं होना चाहिए, नहीं तो वहां से इन्फेक्टेड होगा और पूरा जो घाव है वो इन्फेक्टेड हो जाए। ड्रेसिंग लगाने के बाद उसे अपने स्थान पर बनाए रखने के लिए प्लास्टर या पट्टी या बैंडेज का उपयोग किया जाना चाहिए। बैंडेज क्या है? बैंडेज एक स्पेशल कपड़े का बना हुआ एक टुकड़ा है जिसका उपयोग ड्रेसिंग या स्प्लिंट को सपोर्ट या सहारा देने के लिए किया जाता है, या कई बार शरीर के एक किसी भाग को नियंत्रित करने या प्रतिबंधित करने के लिए भी हम इसका बैंडेज का उपयोग कर सकते हैं। बैंडेज लगाने की प्रक्रिया बैंडेजिंग कहलाती है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बैंडेजिंग, बैंडेजिंग के उद्देश्य क्या है, बैंडेजिंग हम क्यों बांधते हैं? एक तो जो ड्रेसिंग हमने लगाई है उसके अपने जगह पर बनाए रखने के लिए, और इवन स्प्लिंट यदि लगाते हैं हम तो स्प्लिंट को भी अपनी जगह पर लगाने के लिए भी हमें बैंडेजिंग का उपयोग करना होता है। यदि ब्लीडिंग हो रही है, रक्तस्राव हो रहा है, तो वहां भी हमें बैंडेजिंग अप्लाई करनी होती है, प्रेशर बैंडेज, ताकि ब्लीडिंग रोक सके। किसी एक अंग को सहारा देने के लिए भी हम बैंडेज लगा सकते हैं, जैसे हम आर्म स्लिंग लगाते हैं, और किसी पार्ट की मूवमेंट को जो हमें अनावश्यक हो या जरूरी हो उसे रोकने के लिए, रिस्ट्रिक्ट करने के लिए, तब भी हम बैंडेजिंग का प्रयोग करते हैं। बैंडेज मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, ट्रायंगुलर बैंडेज, त्रिकोणाकार पट्टी, और रोलर बैंडेज या रोल की हुई बैंडेज। यहां हम अभी पढ़ेंगे त्रिकोणाकार बैंडेज। यह एक त्रिकोण के आकार का कॉटन का कपड़ा है जिसमें एक बेस ये वाला, दो साइड्स ये और ये, नॉर्मली ये साइड 1 मीटर की होती है, ठीक है, तो 1 मीटर का यदि हम स्क्वायर कपड़ा लें तो उसके 2 त्रिकोणाकार पट्टियां बना सकते हैं, या फोल्ड करके स्टिच करके भी बना सकते हैं। इसमें एक पॉइंट होता है, तो ये जो एंड है इसको हम पॉइंट बोलते हैं, और ये दो लंबे वाले सिरे हैं इनको हम एंड्स बोलते हैं। अब एक त्रिकोणाकार पट्टियां अप्लाई कहाँ कहाँ करते हैं, क्या इसके यूज हैं? तो सबसे महत्वपूर्ण यूज है कि आर्म स्लिंग बनाना। जब हाथ पे चोट लगती है तो हाथ को सहारा देने के लिए हमें आर्म स्लिंग लगानी होती है। आर्म स्लिंग लगाने के लिए सबसे पहले हम एक एंड को अप्रभावित कंधे पर रखते हैं। अप्रभावित कंधा मतलब जो चोटग्रस्त नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, यदि हमारे लेफ्ट हैंड में लगी हुई है तो इस हाथ को हम फोल्ड करेंगे 90 डिग्री के एंगल पर, और ये हमारा अप्रभावित कंधा होगा, तो एक एंड इसके ऊपर आएगा, ठीक है, और जो पॉइंट है वो इस साइड में आएगा। जैसे अभी हम इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये इसका पॉइंट है, ये प्रभावित कंधा है, प्रभावित हाथ है, तो एक सिरा अप्रभावित कंधे पर, दूसरा सिरा नीचे। अब ये सिरा ऊपर फोल्ड होके इस कंधे पर जाएगा इस प्रकार, और पीछे की ओर यहाँ गांठ लगा देंगे, ठीक है। इस गांठ के नीचे हम एक कॉटन पैड भी रखते हैं ताकि स्किन को इरिटेशन ना हो। अब ये जो पॉइंट है जो पीछे की ओर जाता है इधर साइड में, इसको फोल्ड करके आगे ले आते हैं और यहाँ पर पिनअप कर देते हैं, तो हमारा आर्म स्लिंग अप्लाई होता है। अब है कि ट्रायंगुलर बैंडेज का दूसरा यूज, हेड बैंडेज के लिए। त्रिकोणाकार पट्टी का एक महत्वपूर्ण उपयोग है सिर की पट्टी लगाना। सिर की पट्टी लगाने के लिए सबसे पहले जो उसका बेस है वो हम फोरहेड पे रखेंगे यहाँ पर, और एंड जाएंगे पीछे की ओर, जैसा कि इस पिक्चर में दिखाया गया है। एंड्स पीछे की ओर जाएंगे और एंड्स यहाँ पीछे क्रॉस ओवर करेंगे, इधर वाला इस तरफ जाएगा और उस उधर वाला आगे इधर आएगा, और फोरहेड के ऊपर यहाँ पर हम नोट टाई करेंगे, और पीछे जो ये पॉइंट बच रहा है इसको ऊपर लाकर यहाँ पर हम प्लास्टर या पिनअप कर देंगे। तो इस प्रकार हम हेड बैंडेज अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट है चेस्ट बैंडेज या बैक बैंडेज। चेस्ट बैंडेज फ्रंट में यदि कोई चोट हो, बैक बैंडेज यदि बैक में कोई चोट हो, दोनों एक ही तरीके से हम अप्लाई करते हैं। सबसे पहले जो हमारा अप्रभावित कंधा है, मतलब जिस तरफ चोट नहीं है, जैसे मान लो चोट इस तरफ है तो इस कंधे की तरफ पॉइंट जाएगा, और इस साइड में है ज्यादा तो इस कंधे की तरफ पॉइंट जाएगा, और उसको जो बेस है वो हॉरिजॉन्टल यहाँ पर रहेगा, फिर जो एंड्स हैं वो पीछे की ओर जाएंगे, जैसा कि इस पिक्चर में क्लियर किया गया है। यहाँ पॉइंट ऊपर, बेस यहाँ,
और दोनों एंड्स पीछे की ओर गए हैं। यहाँ पर ये एंड एक साइड में जिस तरफ पॉइंट है वहां पर हम टाई करते हैं तो दूसरा सिरा लंबा हो जाएगा, ये सिरा पॉइंट के साथ अटैच हो जाएगा, यहाँ नोट लगेगी तो दो नोट इसमें लगेंगी। तो इस प्रकार हम चेस्ट या बैक बैंडेज अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट यूज है शोल्डर बैंडेज। शोल्डर बैंडेज बांधने के लिए सबसे पहले जो प्रभावित शोल्डर है उसको बैंडेज के सेंटर में लेते हैं और जो उसका पॉइंट है वो इधर जाएगा नेक की तरफ कान के लेवल तक, ठीक है। और जो एंड्स हमारे ये आर्म पर हैं वो क्रॉस ओवर करेंगे और बाहर की तरफ नॉट टाई करेंगे ताकि जो उसका बेस का निचला सिरा है वो हम फिक्स कर सकें, जैसा कि इस पिक्चर में दिखाया गया है। ये पॉइंट ऊपर की तरफ, बेस यहाँ नीचे, ये यहाँ पर अंदर की तरफ, ये इधर अंदर की तरफ क्रॉस ओवर करेंगे और यहाँ आउटर साइड में एक नॉट लग जाएगी। अब ये जो पॉइंट है इसको अभी हम कुछ नहीं करेंगे, सीधा रखेंगे, फिर यहाँ पर हम एक आर्म स्लिंग लगाएंगे, ठीक है ना। प्रभावित कंधे पर हम आर्म स्लिंग लगाते हैं और ये जो आर्म स्लिंग लगाएंगे, ये लगाने के बाद जो ये पॉइंट ऊपर है ये इसको फोल्ड करके यहाँ पर पिनअप कर देंगे ताकि ये आर्म स्लिंग से भी जुड़ा रहे और नीचे खिसके नहीं। उसके बाद आता है एल्बो बैंडेज। एल्बो बैंडेज लगाने के लिए हम जो अपर पार्ट है यहाँ पर ऊपरी बांह, यहाँ पर पॉइंट रखेंगे और नीचे फोर आर्म पर बेस रहेगा, फिर यहाँ से ये क्रॉस ओवर होंगे कोहनी के सामने से और फिर ऊपर की ओर आर्म पर जाकर बाहर की तरफ जो इसके एंड हैं उनको हम टाई करेंगे, जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। पॉइंट यहाँ ऊपर कोहनी से, बेस नीचे, फिर ये इसके एंड्स और ये फोर ये आर्म पर आउटर साइड में बंधेंगे और ये जो पॉइंट ऊपर है इसको वापस फोल्ड करके नीचे लाकर यहाँ पर हम पिनअप कर देंगे। तो इस प्रकार हम एल्बो बैंडेज बांध सकते हैं। अब जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा रोलर बैंडेज और बैंडेजिंग, वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। आप फेसबुक पेज को ज्वाइन कर सकते हैं माय स्टूडेंट सपोर्ट सिस्टम, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट की जानकारी मिलती रहे। आप ब्लॉगर विजिट कर सकते हैं, वहां पर आप अपने नोट्स बना सकते हैं mynursingstudents.blogspot.com। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं ट्विटर पर भी, इंस्टाग्राम पर भी और फेसबुक ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।